तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल है पांक। किसको किसको लगता है प्राइस आ जाएगा उसका? आ जाएगा। तो गाइस मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं। आराम खिलर के, कोई बात नहीं। चैनल की जो मेन ओनर हूं वो मैं हूं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम रात के 12 बजे से। जैसा मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरा पीसीटी में कंपटीशन है, तो फाइनली वो डेट आ चुकी है कल, यानी कि 9 अक्टूबर कल हमारे पीसीटी में कंपटीशन है, जिसकी प्रैक्टिस मैंने करवाई है बहुत अच्छी हॉरर डांस। और उसमें थोड़ा सा अभी भी मेरे को कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम लग रहा है, जहाँ पे वो उसके करके थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। अदरवाइज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है, मेकअप भी बहुत अच्छा है, जो मैंने बच्चों को बताया। और पीसीटी से मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है। जब मैं प्लस वन प्लस टू में था, हमारे स्कूल में कोई भी कोरियोग्राफर नहीं होता था, मैं ही होता था, और वहीं से मेरे कोरियोग्राफर की जर्नी स्टार्ट हुई है। क्योंकि प्लस वन प्लस टू में मैंने अपने स्कूल को जिताया था लगातार 2 बार, और फर्स्ट ईयर में भी मैं जीता था, सेकेंड ईयर में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था, और थर्ड ईयर में तो कोरोना आ गया था, तो उसके करके मैं नहीं जीत पाया। तो पिंकी जोधी मैम, जो बहुत ही क्लोज है मेरे, क्योंकि आई थिंक जब हिमांशु खुराना का शो हुआ था 2000 पता नहीं कितने में, और मैंने वहाँ पे हिमांशु खुराना मैम के साथ डांस किया था, और वहाँ पे पिंकी चौधरी मैम अपने बच्चों को लेके आए थे एज अ कंटेस्टेंट, उनके बच्चे आए थे और वो कोरियोग्राफर थे। उन्होंने मेरे को देखा था, मेरा आर्ट देखा था, उनको अच्छा लगा था, बट वहाँ पे वो मेरा नंबर नहीं ले पाए पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रश था। तो उसके बाद मैंने पीसीटी में परफॉर्म किया था सेकेंड ईयर में, और मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था क्योंकि ट्रैक छोटा था मेरा। और उन्होंने मेरे को बुलाया वहाँ पे और मेरा नंबर लिया। अब उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा था, मैं कब से ढूंढ रही थी आपको। तो फिर मैं उनकी एकेडमी में टीच करता था बच्चों को, वीकेंड में क्लासेस देता था, मतलब बहुत पुरानी चल रही है। पीसीटी से मैं एज अ कोरियोग्राफर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, और सैक्रेड हार्ट में एनुअल फंक्शन भी करवाई पिंकी चौधरी मैम के साथ, बहुत सारा काम किया। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो थोड़ा सा उधर से लिंक ख़त्म हो गया, और अब मैं फिर से पीसीटी में ही जा रहा हूँ कल अपने बच्चों को लेके। और आई होप थोड़ा सा मज़ा आएगा, मज़ा तो आएगा वैसे ही। और बच्चों ने बहुत मेहनत की है, और वैसी मेहनत नहीं की जैसा मैं चाहता था, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला वैसा, और मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा बच्चे थोड़ा सा रह जाएंगे, बट पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेके जा रहा हूँ बच्चों को, बहुत मज़ा आएगा। और मैं रात को ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग मेरे को 6:30 निकलना है यहाँ से, 6:20 निकलना है, क्योंकि कल पीसीटी जाना है, तो स्कूल से भी जल्दी जाना है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, इसलिए जल्दी निकलना है। तो मैंने रात को इंट्रो दे दिया और सीधा हम स्कूल में चलते हैं। अगर मेरे को टाइम मिला और मैं जल्दी सवेरे उठ गया तो मैं जिम भी जाऊँगा, ठीक है? तो चलो अभी हम ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको कल। चलो चलो फटाफट बाहर चलो। हरमन का है, आएगी ना हरमन? किसके उसमें है? हरमन ने जाना साथ में? नहीं आ रहा। किसको किसको लगता है प्राइस आ जाएगा उसका? आ जाएगा, आ जाएगा बच्चे, प्राइस आएगा आपका, आएगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जोवन जोत सिंह, जोवन जोत, हरसिमरन कौर, हरसिमरन कौर, जसप्रीत, किसके, हरविंदर, साक्षी। मैं डांस वाले बच्चे लेके चल रहा हूँ उधर स्टेज में, इन स्टेज पे, और बाकी आप अपने उसमें उसमें देख लो। थक गए, थक गए? हाँ जी बोलो। तो गाइस मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं, और यहां पे बहुत ही कंपटीशन है, मतलब देख के ऐसा लग रहा है। बच्चों को ग्रीन रूम में छोड़ दिया, और मैं आपको दिखाता हूं स्टेज कहां पे है। तो स्टेज वैसे ही है जैसे आज से 4 साल पहले होता था, मतलब एज इट इज ही है, पर वाइब वैसी आ रही है जैसे मैं 4 साल पहले यहाँ पर परफॉर्म करता था। और बच्चों को ग्रीन रूम छोड़ के मैं आया हूँ स्टेज देखने के लिए, और देखता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस कितने नंबर पे है। बच्चे कंपटीशन देख नहीं पाएंगे कैसी कैसी परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो ग्रीन रूम में बैठे हैं और इनकी परफॉर्मेंस हो रही है, और वो सीक्वेंस वाइज बुलाएंगे। और जजमेंट पे भी पिंकी चौधरी मैम है, जो जानते तो है मेरे को, और वो ही मेरे को भी जज करते थे, और मेरा प्राइज आता था।
तो चलो देखते हैं कैसा प्राइस आएगा, क्योंकि वो भरतनाट्यम के टीचर है और मैंने भरतनाट्यम जैसा कुछ भी नहीं करवाया। मेरे को आप लोगों से बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, फिर भी मैं कैमरा निकाल के बातें कर रहा हूँ। और मेरा एक प्रॉप रह गया, तो वो ड्राइवर पकड़ाने आए, तो मैं जा रहा हूँ प्रॉप लेने और परफॉर्मेंस पीछे स्टार्ट हो गई है। तो ये प्रॉप मेरा रह गया था, ये बहुत मनहूस प्रॉप है मेरे को लगता है, जेता मैम की परफॉर्मेंस थी तभी भी रह गया था घर पे ही, मतलब स्कूल में ही। और बच्चे कर्टन क्यों डाले ना, आराम खिलर के कोई बात नहीं। जैस्मीन रेडी हो, धक धक तो नहीं हो रही है? आपने जहाँ जहाँ छुपना है ना, छुपने की जगह देखो मिल गया, वो बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड है। अगर आपका अलमीरा गिर गया, वैसे गिरना नहीं चाहिए, अगर गिर गया तो आपने इस बोर्ड के पीछे छुप जाना है, ठीक है? किसके आगे? अलमीरा इसके साथ में होगा। सारे इंडियन फॉर्म कर रहे हैं, मैं अकेला आया हूँ, जो हॉरर लेके आया हूँ, थोड़ा सा अलग लेके आया हूँ। मेरे को पता है यहाँ का एक्सपीरियंस था मेरे को कि यहाँ पे ज़्यादा इंडियन भरतनाट्यम और हरियाणवी होता है, तो शायद मेरा प्राइस आ सकता है शायद। उन्होंने कहा वेट कर लो बैक स्टेज, हम बैक स्टेज इधर हवा आ रही थी ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं मैम, इधर आए थे, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना, ठीक है, आराम से चिल लोगे और स्टैंड सही कर लेना। चलो चलो, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। हाँ बैठ। आपको पता है आंटी कह रही थी कि हमारे घर में भूत है? हाँ बहुत सारे हैं, अगर आप अपना होमवर्क नहीं करोगे, अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो वो आ जाएंगे। पागल, भूत वगैरह कुछ नहीं होते, चल सो जा। मजा आया, मजा आया, आ जाएगा प्राइस लग रहा है। चलो परफॉर्मेंस हो गई है, आप बच्चे को हम भूत लाते हैं और रिजल्ट का वेट करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा आया, मजा आया। चलो चलो शीतल मैम, ठीक है, जो भी मेरे फ्रेंड थे कहते हाँ ठीक ठीक, कौन चला ज्यादा ऊपर है, जजेस वहाँ नीचे बैठे थे, उनको वो जो हाँ फ्लोर वाला पार्ट नहीं लगता, वो कौन सा वो फ्लोरिंग कम की हमने, मतलब मजा आया, करने में मजा आया, सब कुछ सीक्वेंस वाइज हो गया। बट मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को स्टेप्स और बड़े बड़े कराने चाहिए थे, क्योंकि मेरे को देखने में ऐसा लगा इस स्टेज के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन। वीडियो में दिखाता हूँ अभी किस किस की मिसिंग थी, एक आरती, एक हरमिंदर। ठीक ठीक, मैं बिना स्टूडेंट्स के रिफ्रेशमेंट लेने आ गया, कोई मान नहीं रहा मैं टीचर हूँ। आई कार्ड भी लाना भूल गया, आई कार्ड भी नहीं पहना, आई कार्ड पहनता हूँ व्लॉगिंग करता हूँ, तो उसमें एड्रेस आया था इसलिए मैंने आई कार्ड नहीं पहना। और रिफ्रेशमेंट लेने के लिए मेरे को बच्चों का सहारा चाहिए, बच्चों को लेने जा रहा हूँ मैं, बच्चे लेके आता हूँ तभी ये मेरे को देंगे। आपके बिना मेरे को भी रिफ्रेशमेंट नहीं दे रहे थे, टीचर्स ने उनको लग ही नहीं था मैं टीचर हूँ, उनको लगता मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। चलो तो बच्चों का सहारा लेके जा रहा हूँ मैं रिफ्रेशमेंट लेने, बाकी जो बच्चे घूम गए उनको दोबारा करा दूंगा। भूख लगी जोरों की भूख लगी। सर रहने तो आपके व्यूअर्स डर जाएंगे सर, अनसब्सक्राइब कर देंगे आप। कितनी देर रखना कैमरा ऐसे? अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल है पांक। अब सर ने मुझे दे दिया है, तो अब इस चैनल की जो मेन ओनर है वो मैं हूँ, ठीक है समरिया। सो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, मतलब रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं, तो ये रही मनस्वी, कैसी थी रिफ्रेशमेंट? इसका तो वैसे फास्ट था, तो अभी मतलब हम बैठे हैं, तो उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे, और मतलब होप नहीं है प्राइज आए कि ना आए। वैसे हमारा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा कॉम्पिटिशन था, वो सर ने बताया था,
तो बेसिकली क्या है कि हमारा कंपटीशन अब हो चुका है, अच्छा था, अब देखते हैं कैसा प्राइस आता है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे एंजॉय जो भी है। सो गाइस, कल मैंने देखा मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। और उसके बाद ये सपने से उठ गई। एक मिलियन सब्सक्राइबर मेरे बनाया हुआ क्या यूट्यूब पे? क्या यूट्यूब चैनल नेम क्या है? बिग यूट्यूबर सर, इनसे हमें बोलने नहीं चाहिए सर। और सर को भी बहुत सारा प्यार देना चैनल को, और 1 मिलियन कर देना इनके भी, मतलब आपके भी हैं। कितने कितने 8000 मेरे 1 मिलियन है ना, मेरे 1 मिलियन है ना। तुम मालूम है कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ। चलो चलो फटाफट रोने के लिए तैयार हो जो रिजल्ट आ रहा है, फटाफट खड़े हो जो बच्चे रिजल्ट आ रहा है। चलो सर फर्स्ट अपना तो नहीं है, रिपोर्ट में जुड़ चुके हैं मैम। या द फर्स्ट प्राइस गोस टू DCM Resident School Chandigarh Road. Congratulations to all the winners. के लिए फिलहाल इतना ही, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इनका लास्ट ईयर भी इनका आया था, इन्होंने वो शिव तांडव का कॉन्सेप्ट किया। गुरु नानक इंटरनेशनल गुजर खान लाइव भंगड़ा, अमेजिंग सिंगिंग, अमेजिंग ढोल एंड एनर्जेटिक परफॉर्मेंस। न्यू जीएमटी आदमी के बाद हम लंच कर रहे हैं। चलो हमको तो मिला कुछ, चलो लाइन बनाओ और चलो हमको तो मिल गया कुछ। सर्टिफिकेट है आपको? हमें सर्टिफिकेट मिले हैं, इस पे फिल करना पड़ेगा सबका अलग अलग। चलो मेक अ लाइन और बच्ची काउंट करो। हरमन कहाँ है? मिली रिजल्ट तो वैसे मेरे को पता था क्योंकि इतनी मेहनत हुई नहीं है बच्चों की, बट फिर भी चलो गुड, जो अच्छा हुआ ठीक हुआ।